हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। आज हम बनाएंगे घेवर। घेवर को बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। मैंने घेवर बिना किसी मोल्ड के बनाया है। अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप भी घेवर आसानी से बना सकते हैं। अगर आप भी अच्छा घेवर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैंने बीच बीच में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए घेवर की रेसिपी को शुरू करते हैं। हम मलाई घेवर बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम घेवर का घोल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये बड़ा बर्तन लिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप देसी घी ऐड कर रही हूँ और इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी ऐड करूंगी। अब हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे। यहाँ मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ, जब तक घी का कलर चेंज होकर वाइट ना हो जाए तब तक हम घी को फेंटते रहेंगे। ये देखिए घी का कलर चेंज होने लगा है। देखिए घी का कलर व्हाइट होने लगा है, ये देखिए। अभी मैं इसको और फेंट लूंगी। मैंने घी को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए फेंटा है। इसको फेंटने में हाथ थोड़े ठंडे हो जाते हैं, बट आप बीच में थोड़ा सा गैप लेकर भी इसको फेंट सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अब जितने भी बर्फ के टुकड़े बचे हुए हैं मैं उनको निकाल लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप मैदा। मैदा को आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं या फिर एक साथ भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है घी में, और फिर अब मैं इसमें ऐड करूंगी ठंडा पानी। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसको धीरे धीरे डालकर आपको मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर या फिर हैंड मिक्सर मशीन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यह लगभग 500 ml के आसपास पानी यूज किया है। ये देखिए लास्ट में मैं थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए ये अभी मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो अभी हमारा बैटर एकदम तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हमको इसमें ऐड करना है नींबू। तो जब भी आप घेवर बनाने वाले हो उससे पहले नींबू ऐड कर दें। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नींबू ऐड कर रही हूँ, नींबू का रस। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नींबू का रस डालने से घेवर में बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। घेवर के लिए मैंने ये पैन लिया है जिसकी हाइट भी अच्छी है और ऑयल भी मैंने हाफ से कम लिया है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो पैन या बर्तन आप ले वो हाइट में अच्छा होना चाहिए। अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो जब आप बैटर डालेंगे तो बैटर बाहर आ सकता है, और बर्तन थोड़ा हैवी भी होना चाहिए। अगर हल्का होगा तो बर्तन जल भी सकता है। बैटर डालते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालें। हर बार बैटर डालने के बाद झाग बनेंगे, जब झाग नीचे बैठ जाए तब दोबारा बैटर डालें। घेवर के लिए हमको ऑयल बहुत गर्म चाहिए होता है। बैटर डालने के लिए आप कोई भी स्पून यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि बैटर आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अगर आप एक बार में ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो ऑयल फिर बाहर निकल सकता है। और एक बात का और ध्यान रखें कि बैटर आपको हमेशा सेंटर में ही डालना है। कोशिश करें कि बैटर थोड़ा ऊपर से डालें, नहीं तो ऑयल की जो बूंदें हैं वो आपके हाथ पर आ सकती हैं। ये देखिए इसमें जाली आना शुरू हो गया है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा बैटर डालना है और उसको चम्मच को हटा लेना है। जैसे ही जार नीचे जाते हैं आपको बैटर फिर से डाल देना है। ये देखिए साइड से भी कितना अच्छा बनकर आ रहा है, ये सब झाग की वजह से ही होता है। अगर आपका घेवर बीच में से बंद हो जाता है तो आप बेलन से या फिर किसी भी स्पून के पीछे से आप बीच में थोड़ा सा जगह कर सकते हैं। ये देखिए मेरा घेवर भी बीच में से बंद होने लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये पतला बेलन है, मैं इससे बीच में थोड़ी सी जगह बना लूँगी। अब इसको अच्छे से सिकने देंगे। नीचे से घेवर आसानी से सिक जाता है, ऊपर से सेकने के लिए हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना होगा। उसके लिए आप या तो सेंटर से ऑयल लेकर घेवर के ऊपर डाल सकते हैं या फिर अलग ऑयल गर्म करके किसी बर्तन में आप उसको भी घेवर के ऊपर डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा घेवर भी सिकना शुरू हो गया है। ये देखिए मेरे घेवर ने साइड छोड़ दी हैं। अब इसको हम थोड़ा और ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए मैंने गैस को थोड़ा कम कर दिया है। अब मैं इसको हल्के से, ये मेरे पास टोंग है इसकी हेल्प से, मैं इसको निकाल लूंगी। घेवर को आपको बहुत आराम से निकालना होगा। ये देखिए कोशिश करिए कि घेवर को आप खड़ा करके निकालें, इससे घेवर आसानी से निकल जाता है और जितना भी उसमें एक्सेस ऑयल होता है वो निकल जाता है। अब घेवर को निकाल कर मेरे पास ये स्ट्रेनर है, मैं उसमें रख दूंगी और स्ट्रेनर के नीचे मैंने प्लेट रखी है जिससे कि जितना भी एक्सेस ऑयल बचा होगा वो उसमें निकल जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप प्लेट में एक कटोरी रखकर कटोरी के ऊपर घेवर रख सकते हैं। हम अपना दूसरा घेवर भी बना लेते हैं। वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप घेवर बनाएं तो ऑयल आपका बहुत गर्म होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सारे घेवर बना लेंगे। इतने बैटर में मैंने 9 से 10 घेवर बनाए हैं। आप अगर साइज थोड़ा बड़ा करेंगे तो आप 5 से 6 घेवर इतने बैटर में बना पाएंगे। अब हम घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप ग्रैनुलेटेड शुगर ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप पानी। जब चीनी अच्छे से पानी में घुल जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें 1 पिंच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, केसर का फ्लेवर भी चाशनी में बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम 1-2 बॉईल आने तक बॉईल करेंगे। हमको इसको बहुत गाढ़ी 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है तो हम इसको जस्ट 2 बॉईल आने तक बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारी चाशनी तैयार है। की कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चाशनी न ज़्यादा गाढ़ी है न ज़्यादा पतली है। तो अब हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में 1/2 लीटर दूध लिया है और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 बॉईल आने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। ये देखिए ऐसे चलाते हुए हम इसको थिक होने तक पकाएंगे। दूध अब थोड़ा थिक होने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर। मैं यहाँ 3 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो शुगर अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर कम भी डाल सकते हैं। शुगर डालने के बाद हम इसको थोड़ा और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा लिक्विडी रह जाए। जब हम रबड़ी बना रहे हैं और घेवर के लिए बना रहे हैं तो वो थिक होनी चाहिए। ये देखिए भी थोड़ी सी लिक्विडी है बट गाढ़ी हो गई है।
तो ये हमारे घेवर के लिए एकदम तैयार है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम घेवर पे शुगर सिरप डालेंगे। पहले शुगर सिरप डालते वक्त हल्का सा गर्म होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप स्पून से डालेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्टैंड ले लिया है और उस पर घेवर रख दिया है और नीचे प्लेट रख दी है, जिससे एक्सेस शुगर सिरप जितना भी होगा वो नीचे निकल जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल रहे हैं और चारों तरफ डालेंगे। अच्छे से कोट कर देंगे शुगर सिरप से इसको और उसके बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप तुरंत इस पर रबड़ी डाल देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि घेवर थोड़ा सॉगी हो जाए, तो थोड़ा सूखने के बाद हम इस पर फिर रबड़ी डालेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से कोट कर दिया है शुगर सिरप से। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, जितना भी एक्सेस शुगर सिरप था वो नीचे आ गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारा घेवर एकदम सूख चुका है। अब हम इस पर रबड़ी डालेंगे। चारों तरफ से अच्छे से फैलाकर डालना है और रबड़ी डालने के बाद आप इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस पे केसर लगा सकते हैं और सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। और अगर आप प्लेन घेवर बनाना चाहते हैं तो रबड़ी ना डालें, शुगर सिरप डालकर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। बस इसको भी गार्निश कर देंगे हम अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से। तो देखिए, तैयार है हमारा मलाई घेवर। इसको आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।